हे ब्यूटीज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम पूजा एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ सिल्क साड़ी को ड्रेप करने का बहुत ही इजी मेथड। अगर आप बिगनर्स हैं, आपको साड़ी पहनना बिल्कुल भी नहीं आता है, सो इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में मैंने बहुत सारे ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर किए हैं जिन्हें यूज़ करके आप बहुत ही आसानी से साड़ी पहन सकती हैं, साथ ही साथ आप साड़ी में स्लिम और टॉल भी दिखेंगी। सो वीडियो पसंद आए तो वीडियो करना है लाइक और मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो यहाँ पर देखो, मेरी साड़ी का जो अरज है वो भी काफ़ी है, और लेंथ की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ से मैंने ब्लाउज भी निकाला हुआ है साड़ी से, उसके बाद भी मेरी साड़ी की लेंथ बहुत ही ज़्यादा है। ये साड़ी मैंने लोकल मार्केट से परचेस की थी, ऑनलाइन नहीं परचेस की थी, तो सॉरी मैं इसका लिंक आपको नहीं प्रोवाइड करा सकती। साड़ी पहनने से पहले आपको एक चीज़ याद रखनी है कि आप जो भी फुटवेयर सैंडल आप पहनना चाहती हैं वो साड़ी पहनने से पहले ही आप पहन लें। अब स्टार्ट करते हैं साड़ी को टकिंग करना। आपको स्टार्टिंग पॉइंट लेना है और साड़ी को मिड से थोड़ी आगे से टक करते हुए एक राउंड आपको अच्छे से टाइट खींचकर टक करना है पेटीकोट में। यहाँ पर मैंने कॉटन का ही पेटीकोट यूज़ किया है। फर्स्ट राउंड आपको टाइटली टक करना है, जिससे कि आपकी साड़ी की जो फिनिशिंग आएगी वो बहुत ही अच्छी आएगी। नाउ आपको जाना है साड़ी के एकदम लास्ट पॉइंट पे, यानी कि पल्लू के पॉइंट पे। इसको यहाँ पे मैंने रफली एडजस्ट किया है और आपको एक राउंड लगाते हुए अपने लेफ्ट वाले शोल्डर पे पल्लू को सिंपल ऐसे रख लेना है। आपको अपनी लेंथ डिसाइड करनी है कि आपको पल्लू की लेंथ कितनी रखनी है। अब यहाँ पर अगर आप पल्लू की लेंथ थोड़ी ज़्यादा रखती हैं तो ये आपको हेल्प करता है टॉल दिखाने में। अब आपको कॉर्नर से पकड़ना है साड़ी को और एक सेफ्टी पिन की हेल्प से कॉर्नर से इस तरह से अपने पेटीकोट में साड़ी को टक कर लेना है। इससे जो आपका साइड वाला पोर्शन है ना, वो बहुत ही अच्छा आएगा, उसका लुक बहुत अच्छा आएगा। नाउ स्टार्ट करते हैं प्लेट्स बनाना। अब थोड़ा सा फैब्रिक यहाँ पर छोड़कर आपको देखो किस तरह से प्लेट्स बनानी है। बैक से आपको थंब और अपने लिटिल फिंगर की हेल्प से, और फ्रंट से आपकी जो टू फिंगर्स हैं उनको कैची की हेल्प से आपको इस तरह से प्लेट्स बनानी है। सेकेंड हैंड से आपको अपने जो फैब्रिक है उसको अरेंज करते जाना है और दूसरे हाथ से आपको प्लेट्स बनाते जाना है। इस तरह से मैंने सारी प्लेट्स बना ली हैं। यहाँ पर प्लेट्स आपको ना ज़्यादा बड़ी बनानी है और ना बहुत ही छोटी बनानी है, मीडियम साइज़ की आप प्लेट्स बनाएं। अब सारी प्लेट्स बनाने के बाद आपको वन बाय वन एक एक प्लेट्स को अच्छे से अरेंज कर लेना है। इससे आपकी जो प्लेट्स है वो अनइवन नहीं होंगी, इक्वली होंगी, सो आपका जो साड़ी का लुक है वो बहुत ही प्यारा आएगा। अब यहाँ पे सारी प्लेट्स को पकड़ लिया है मैंने, और इसको देखो इस तरह से झटक झटक के मैं नीचे से इसको फिर से अरेंज कर रही हूँ, जिससे कि जो मेरी प्लेट्स हैं वो अनइवन ना हो, इवन ही वो रहे। अब आपको क्या करना है, यहाँ से जो फर्स्ट वाला आपकी प्लेट थी उसको छोड़ देना है और पूरे फैब्रिक को लेते हुए आपको अरेंज करना है फिर से। इससे जो साइड वाला जो फैब्रिक है वो भी इसमें आ जाएगा। आपकी जो फर्स्ट वाली प्लेट है वो थोड़ी बड़ी भी हो सकती है। अब आपको जो फर्स्ट वाली प्लेट रखनी है वो बाकियों की जो प्लेट्स हैं उनसे थोड़ी नीचे रखनी है। इससे क्या होगा कि आपका जो फ्रंट का जो पार्ट है वो ऊंचा नीचा यानी कि अनइवन नहीं लगेगा। उसके बाद मैंने सारी प्लेट्स को सिक्योर करने के बाद एक सेफ्टी पिन की हेल्प से सिक्योर कर लिया है अगेन, क्योंकि जब कई बार ऐसा होता है कि जब हम प्लेट्स को टक करते हैं पेटीकोट में सो कई बार वो अनइवन हो जाती हैं, सही से नहीं अरेंज हो पाती। सो अगर आप यहाँ पर सेफ्टी पिन लगा लेते हैं तो आपकी प्लेट्स एकदम सेट रहेंगी। अब यहाँ पर आपको अपनी लेंथ को नीचे रखते हुए देखते हुए अपने जो साड़ी है उसको पेटीकोट में टक कर लेना है। अब देखो यहाँ पर मैंने एक ब्रॉच वाली जो पिन आती है उसका यूज़ किया है। ये लगाने से क्या बेनिफिट होता है कि आपकी जो प्लेट्स हैं वो भी एकदम अरेंज रहती हैं और साथ ही आपकी जो साड़ी का लुक है ना वो भी एकदम एनहांस हो जाता है, बहुत ही प्यारा लुक आता है। यहाँ पे देखो साइड से कुछ प्लेट्स को आपको इस तरह से पकड़ के अरेंज करना है, दूसरे हैंड से आपको अरेंज करना है और एक हैंड से आपको अपनी जो प्लेट्स हैं उनको पकड़े रहना है।
अब यहाँ पर ब्रॉच वाली पिन से मैं इसको सिक्योर कर दूंगी। अगर आपके पास ब्रॉच वाली पिन अवेलेबल नहीं है तो आप नॉर्मल पिन भी लगा सकते हैं, बट वो अंदर की साइड से आप लगाएं। सो यहाँ पर देखो मैंने इसको लगा लिया है और जो मेरा साइड वाला पोर्शन है वो बहुत ही फिनिश्ड लुक आ रहा है। अब सिल्क वाली जो साड़ीज़ होती हैं वो थोड़ी फूली फूली सी रहती हैं, तो उनको आपको क्या करना है, अपने हैंड की ही हेल्प से आपको धीरे धीरे उसको प्रेस करना है। सो उससे वो बहुत ही आसानी से सेट हो जाती हैं। नाउ आते हैं पल्लू वाले पार्ट पर। अब आपको पल्लू लेना है और स्टार्टिंग से जिस तरह से आपने प्लेट्स बनाई थी सेम उसी तरह से आपको अपना पल्लू बनाना स्टार्ट करना है। अब पल्लू बनाते हुए आपको एक चीज़ याद रखनी है कि जो आपका फ्रंट वाला पार्ट होगा वो आपको सारे जो पल्लू आप बनाएंगे, पूरी जो प्लेट्स बनाएंगे, उनसे थोड़ा सा बड़ा रखना है। इससे बेनिफिट क्या होता है कि अगर आपकी प्लेट्स अनइवन हो जाती हैं पीछे वाली, सो वो शो नहीं होती हैं और एक बहुत ही अच्छा लुक आ जाता है। इस तरह से देखो, टू फिंगर्स और थंब और लिटिल फिंगर की हेल्प से ही मैंने यहाँ पर पल्लू बनाया है। अब जो लास्ट वाली प्लेट है, आपको ये देखना है कि उसका जो लास्ट वाला जो कॉर्नर है वो अपर रहना चाहिए और जो फ्रंट वाला है वो नीचे की साइड रहना चाहिए, यानी कि इन दोनों की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट रहनी चाहिए। जैसे फर्स्ट वाले कॉर्नर की तो नीचे की तरफ और जो लास्ट वाला है उसका जो पोर्शन रहना चाहिए वो थोड़ा अप साइड में होना चाहिए। उसके बाद देखो, आपको एक एक प्लेट्स को पकड़ कर इस तरह से अरेंज करते जाना है। ऊपर से आपको झटक झटक के अपने पल्लू को और नीचे वाले हैंड से, मतलब सेकंड हैंड से आपको अपने पल्लू को, एक एक प्लेट्स को आपको अच्छे से पकड़ के अरेंज करते जाना है। आप थोड़ा थोड़ा सेक्शन ले, ज़्यादा सेक्शन एक बार में ना ले, इससे आपका पल्लू बिल्कुल अच्छे से सेट नहीं होगा। थोड़ा थोड़ा सेक्शन लेते जाएं, पल्लू को झटकते जाएं और एक एक प्लेट्स को पकड़ के आप अरेंज करती जाएं। कुछ इस तरह से देखो जैसे मैं कर रही हूँ। सिर्फ आपको अपने फिंगर्स और थंब का यूज़ करना है और आप बहुत ही आसानी से अपनी प्लेट्स को अरेंज कर सकती हैं। यहाँ पर मैं एक टिप्स आपको देना चाहूँगी कि जितना आप अच्छे से अपने पल्लू को अरेंज करेंगी, साड़ी का लुक आपका बहुत ही अच्छा आएगा, क्योंकि साड़ी का जो मेन लुक आता है वो पल्लू से ही आता है। अब यहाँ पे देखो, पल्लू मैंने बना लिया है तो आप एक सेफ्टी पिन की हेल्प से यहाँ पर इसको सिक्योर कर दें, जिससे कि आपका जो पल्लू है, इन केस अगर आपको टकिंग करते हुए इधर से उधर हो जाता है तो पल्लू आपका एटलीस्ट सेफ रहे, जितनी मेहनत आपने की है वो ख़राब ना हो। अब आपको लेफ्ट वाले शोल्डर पे, मैंने पहले ही बताया, लेफ्ट वाले शोल्डर पे रख के कुछ इस तरह से आपको पिन लगा लेनी है, सेफ्टी पिन, और अपने जो पल्लू है उसको ऐसे हैंड की तरह से एक एक प्लेट्स को इस तरह से एडजस्ट कर लेना है। आप पल्लू की जो प्लेट्स पे पिन लगाएंगे वो आपको थोड़ी पीछे करके लगानी है, जिससे आपका पल्लू एकदम सेट रहेगा। अब देखो, दोनों हाथ की हेल्प से मैंने इसको इस तरह से अरेंज कर लिया है। पल्लू पर सिर्फ मैंने एक ही पिन लगाई है और यहाँ पर देखो, लास्ट वाले जो पल्लू है उसका कॉर्नर लिया है मैंने और कुछ इस तरह से अपने हैंड से इसको फोल्ड करते हुए प्रेस कर दिया है। इससे जो मेरा साड़ी का जो पल्लू है वो एकदम सेट हो जाएगा। सिल्क वाली जो साड़ीज़ होती हैं उनको थोड़ा प्रेस करना पड़ता है, जिससे कि वो एकदम सेट हो जाती है। सेम स्टेप आपको अपने जो प्लेट्स बनाई हैं उसी में भी करना है। एक एक प्लेट्स को आपको लेना है, अरेंज करना है और जैसे प्रेस करते हैं ना, उसी तरह से आपको अपने हाथों का यूज़ करके प्रेस करते जाना है। इससे जो आपकी प्लेट्स हैं वो एकदम फूली फूली नहीं रहेंगी। कुछ लोग होते हैं जिनका जो साड़ी होती है वो बहुत फूली फूली रहती है, सिल्क की साड़ी स्पेशली ऐसा होता है, बट अगर आप उसको इस तरह से प्रेसिंग करते हुए आप ड्रेप करेंगी तो वो एकदम परफेक्ट आपकी साड़ी लगेगी। तो देखो, बॉर्डर जो है इसका वो भी कुछ इस तरह से मैं पकड़ के एक एक प्लेट्स को अरेंज करके और अपने हैंड की ही हेल्प से इसको प्रेसिंग करती जा रही हूँ। इससे आपकी साड़ी का लुक बहुत ही अच्छा रहेगा। दोस्तों, अगर साड़ी आपने कितनी भी कॉस्टली पहनी है, अगर आपने उसको अच्छे से ड्रेप नहीं किया हुआ है तो वो साड़ी बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। साड़ी पहनना एक्चुअली एक आर्ट है और इसको अगर आप अच्छे से पहनेंगे तो साड़ी में आप बहुत ही ब्यूटीफुल लगेंगी। सो देखो, इस तरह से मैंने अरेंज कर लिया है। अब आप देख सकते हैं कि मेरा फाइनल लुक यहाँ पर रेडी है। आप देख सकते हैं कितनी आसान तरीके से यहाँ पर मैंने साड़ी ड्रेपिंग आपको बताई है। इन स्टेप्स को अगर आप फॉलो करेंगी तो आप भी मेरी तरह बहुत ही आसानी से साड़ी को ड्रेप कर सकती हैं।
सो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मेरे प्लेट्स हैं, यहाँ पे जो मेरा पल्लू है वो एकदम सेट है। और यहाँ पे मैं आपको एक टिप और देना चाहूँगी कि अगर आप टोल दिखना चाहती हैं सो आप जो अपना पेटीकोट टाई करें वो अपनी जो नेबल है ना उसे थोड़ा सा लोअर में करें, इससे आपकी जो हाइट है वो बहुत ही ज़्यादा लगेगी। सो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए सो वीडियो को करना है लाइक, मेरे चैनल को करना है सब्सक्राइब ऐसी और भी ब्यूटी रिलेटेड एंड साड़ी ड्रेपिंग रिलेटेड वीडियोस देखने के लिए। और आप इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स और फैमिली के साथ भी शेयर कर सकते हैं। बाय बाय।